नमस्कार दोस्तों, मैं राज यूट्यूबर आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मदर टिंचर होम्योपैथिक मेडिसिन अवेयरनेस अटैनमा के बारे में। इसके क्या यूजेस हैं, आपको कितने में मार्केट में मिलेगी और इसका इस्तेमाल हमको किस तरीके से करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अवेयरनेस अटैनमा मदर टिंचर ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल हमको किन किन प्रॉब्लम्स में करना चाहिए, तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल हम करते हैं इंसोमिया में, जो कि अनिद्रा होती है, जैसे रात को नींद नहीं आती है, ये लोगों को काफ़ी स्ट्रेस है उन लोगों के लिए, और नींद को अच्छा लाने के लिए, बहुत जल्दी से लाने के लिए इसका इस्तेमाल रेगुलर करें, दिन में 3 बार करें। वो कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। दूसरा यूज इसका है सर दर्द। सर अगर भारी भारी रहता है और सर दबाने के बाद भी सर दर्द नहीं जा रहा है तो आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं, वो भी किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तीसरा जो आपका इसका यूज़ है वो ये है कि आप वो अगर बॉडी में वीकनेस हो रही है या कोई अच्छा खाना खाने के बाद भी आपको वीकनेस लग रही है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा, आपको भूख ही नहीं लग रही है, अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इन चारों ही केसेस में आपको इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है और इसकी जो पोटेंसी क्यू है, जो मदर टिंचर है, उसमें करना है या और अदर पोटेंसी जो 30 है, 60 है, या किस पोटेंसी में करना है वो कैसे आपको पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा आप जब किसी अच्छे प्रैक्टिशनर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर के अपने सिम्टम्स को बता करके सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन लेंगे। यहाँ पर इस मेडिसिन का सिर्फ रिव्यू किया जा रहा है फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होता है वो बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को देख करके ही इसको लेना शुरू ना करें। आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, इसको किस तरीके से लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक कप लेना है, कप लेकर के उसको सबसे पहले इस बॉटल को, जो भी आपके 100 ml या फिर 30 ml की बॉटल आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको इसको शेक कर लीजिए। शेक करने के बाद इस तरीके से इसमें नॉब्स दिया रहता है, ओपन नॉब होता है, यहाँ से आपको एयर पास करने का होता है, तो उसमें कुछ करना नहीं है, आप बस इसको इस तरीके से ड्रॉप्स गिराएंगे कप में, और 10-15 ड्रॉप्स आपको लेनी होती है दिन में 3 बार, वो भी खाना खाने से पहले, तीनों टाइम खाना खाने से पहले आपको लेनी रहेगी। और इसको लेने का तरीका, जब आपने कप में डाल दिया, कप में डालने के बाद उसके बाद ल्यूक वार्म वाटर डालना होता है 1/4 कप, यानी कि हल्का गुनगुना पानी आपको उसमें मिक्स करना होगा और उसके बाद चाय की तरह घूंट घूंट करके, जिसे हम पीते हैं सिर्फ सिर्फ, उस तरीके से पीना रहता है इसके बेस्ट रिजल्ट्स लेने के लिए। फ्रेंड्स, इसको हम इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल हमारे जो बॉडी में वीकनेस है या कोई डिजीज़ है तो वो उसको ये कवरअप करता है, उससे लड़ने की क्षमता है इस मेडिसिन के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया इसको किस तरीके से करना है, लेकिन साथ साथ एक मैं टिप आपको और देता चलता चलूँ। इसको, इन मेडिसिन को लेने का एक और अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आप इनको लेते हैं एम्प्टी स्टमक विद ल्यूक वार्म वाटर तो इनकी एफिकेसी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स देखने हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के तो वो आप कुछ बातों का आपको और ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आप जब मेडिसिन ले रहे हैं तो आपके माउथ में स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए, जैसे आप जब लेंगे तो आप उनसे डॉक्टर से भी पता कर सकते हैं इसके बारे में, जैसे लहसुन हो गया या आपका जो ब्रश करते हैं आप, कोलगेट करते हैं तो उसके बाद उसमें जो स्मेल रह जाती है वो भी हो गया, अनियन गार्लिक या इलायची या कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग स्मेल आपके माउथ में नहीं होनी चाहिए उस वक्त। अगर ऐसा है तो आप उस वक्त इस मेडिसिन को ना लें, क्योंकि उससे आपके मुंह में जलन महसूस हो सकती है या फिर उसकी एफिकेसी, जो मेडिसिन की एफिकेसी है वो कम हो सकती है, यानी असर, एफिकेसी का मतलब यहाँ पर असर है, उसका असर कम हो सकता है। आपको रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो देर में मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी मिले तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और साथ में डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर के ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो के माध्यम से इस मेडिसिन के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करी है। अंत में मैं बता देता हूँ इसका प्राइस, ये 95 rupees में आपको मैक्सिमम मिलती है और 5 years की एक्सपायरी के साथ मिलती है। फ्रेंड्स, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि शेक वेल बिफोर यूज, जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो इस तरीके से हिला लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि मदर टिंचर में होता क्या है, ये एक कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में होता है और इसके बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से
आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ रह गया हो फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, सजेशंस हो तो वो भी आप दे सकते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद।